है hey दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप तो दोस्तों आज आपको डवर्मेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने जा रहा हूं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है आप जानते हैं कि मैं पैशनेट हूं डवर्मेंट बीट के लिए पिछले मोर देन ट्वेंटी इयर्स बीस साल से भी ज़्यादा मुझे डवरमेंट रखे हो गए अपने पास जब से मैंने डॉग्स पालने शुरू किए हैं तो मेरे मेरे पास बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है डवर्पमेंट बीट के बारे में कि इसका जो टेम्परामेंट है वो कैसा होता है इसका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है क्या ये अच्छे गार्ड डॉग्स हैं कि नहीं हैं इनके प्योरिटी फैक्टर्स क्या हैं ये जो है फैमिली में बच्चे हों तो उनके साथ रखने लायक ब्रीड है कि नहीं है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने शायद कभी ना देखी हो ना जानी हो आपको मेरे हर वीडियो में देखने को मिलती है डॉबरमैन के बिहेवियर के बारे में ये काफ़ी जो है मज़बूत डॉग है काफ़ी दिलेर डॉग है इसके बारे में डिटेल में आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली हैं इस वीडियो के थ्रू इसकी पूँछ क्यों कटी होती है कान क्यों इसके कुछ डॉग से खड़े होते हैं इसकी प्योरिटी की क्या क्या पहचान है इसके क्या कलर्स हैं तो प्लीज़ देखते रहिए हे गाइस hey नमस्कार तो कैसे हैं आप तो गाइस आपकी डिमांड पे आज जो है मैं आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से मुझे देखिए इट्स अराउंड ट्वेंटी इयर्स से मैं डॉबर मैन बीड ही अपने पास हमेशा मैंने रखी है सी डॉग्स के अलावा तो डोबर मैन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि गाइज़ हर पूछ कटा हुआ कुत्ता डोबर मैन या रॉड पायलर नहीं होता या हर एक कुत्ता जो है आ, जो ब्लैक हो वो लेबरा नहीं होता तो इसी तरीके से हर जिस डॉग की पूंछ कटी है उसका मतलब नहीं कि वो डॉबरमैन है रॉट वाले बॉक्सर है इस टेल को तो डॉक किया जाता है बाद में जब ये हो जाते हैं काफ़ी सारे रीजनस है जो मैं आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ क्यों उनकी पूँछ काटी जाती है अब काफ़ी लोग कहते हैं यार आपके डॉबरमैन के जो है कान खड़े क्यों नहीं हुए कान गए स्क्रोपिंग के साथ खड़े किए जाते हैं बैंडिंग ड्रेसिंग के साथ खड़े किए जाते हैं नेचुरली उनके कान कभी खड़े नहीं होते कान की पहचान मैं आपको भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से कान इसकी एक्चुअल शेप होती है पहले आप बेसिक मार्किंग के बारे में जान लीजिए डॉबरमैन की मैं आपको इसकी बेसिक बॉडी जो मार्किंग है उसके बारे में बेटा सर ये देखिए चेस्ट आ रही है चेस्ट दिखाओ एक बार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉग की चेस्ट से चेस्ट पे जो है डोवरमैन की ये दो मार्क दिखेंगे पैचेस आपको टेन कलर में अगर ब्लैक एंड टैन अगर आपके पास है उसके बाद पंजे पे आ जाइए पंजे पे जो है ऊपर के बाद ब्लैक के बाद नीचे टैन शुरू हो जाता है और नीचे जो है इसके पंजों पे ये लाइन ब्लैक लाइन स्टार्ट हो जाती हैं ये शेर जैसी ये देखिए ये देखिए सर ये लाइन देखिए ये स्टाइप शुरू हो जाती है उसके बाद हम आते हैं फेस की तरफ आइज के पास जो है दो छोटे छोटे से स्पॉट्स देखिए ये देख रहे हैं आप ये दो स्पॉट होते हैं उसके बाद फेस पे साइड में ये मार्किंग होती है इस टाइप से एक निकला हुआ और फेस पूरा पुराई कवर्ड और ये जितना डार्क होगा उतना ज़्यादा प्योरिटी अच्छी होगी और दूसरी बात ये आजकल जो डोबरमैन आ रहे हैं काफ़ी वो मिक्स क्रॉस ब्रीड हो गए हैं एक्चुअल में जो डोबरमैन था वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है इंडिया से क्योंकि लोगों ने जो है इसको क्रॉस ब्रीड कर दिया यूरोपियन अमेरिकन के साथ या फिर कभी किसी और ब्रीड के साथ तो बनते बनते मैं 95 फाइव परसेंट गाइज नाइन्टी फाइव परसेंट इज़ अ रियली वेरी बिग नंबर अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको डोबरमैन दे रहा हूँ तो आप ये समझिए कि इंडिया में शायद फाइव परसेंट ही डोबरमैन ब्रीडर्स या डोबरमैन के ऐसे जानकार हैं जिनके पास औरजिनल और प्योर डोबरमैन है वरना सारे कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड हो चुके हैं इसकी जो शेप है आप ये देखिए हेड है, टू टो तो तो पूरी शेप उस स्लोप में जा रही है दिखाइए ये कि पूरा जो है स्लोप में जा रहा है हूँ बॉडी पीछे से आप देख सकते हैं इसके पीछे टेल के पीछे से जो है ये टेल के पीछे आप देख सकते हैं जो मार्क है टेल के नीचे इस शेप में मार्क होता है एक बब के दोनों के आप देख सकते हैं ये भी एक और प्योरिटी की पहचान है उसकी टेल के नीचे जो मार्क है वो पूरा स्टैंड कलर में इस शेप में होता है स्ट्रेट नीचे से नैरो बॉडी शेप जो है इनका नीचे से टील की तरफ से डाउन होता है ऊपर की तरफ से ऊपर उठे होते हैं कान आप देख सकते हैं इनके बिल्कुल लटके हुए हैं लंबे कान हैं प्योर डवरमेंट के कान हमेशा आपको लंबे मिलेंगे शॉर्ट नहीं मिलेंगे और आधे खड़े आधे बैठे नहीं होंगे वो बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन होंगे चिपके नहीं होंगे बॉडी से एक खास बात और है औरगाज प्योर में जो है कान कभी भी बॉडी से चिपके नहीं मिलेंगे आपको ना ही खड़े मिलेंगे आप देख सकते हैं बॉडी से थोड़ा सा गैप है इसके बीच कान के बीच आप देख रहे हैं गैप ये गैप ये देखिए ये जो गैप है कानों के बीच और बॉडी के बीच ये प्योरिटी की एक और पहचान है डॉबर के और चिपका होता पीछे से कोट जो है डॉबर का बड़ा नहीं होता बिल्कुल जितना बाल छोटा बढ़िया रहेगा उतना अच्छा रहेगा ओके okay, एक और पहचान में एक और पहचान मैं आपको बता दूँ ये पीछे आप देख रहे हैं जो ब्लैक लाइन आ रही है टैन के साथ ये यहाँ से पीछे से एक ब्लैक लाइन दिखेगी आगे के पंजों के पीछे की तरफ लेकिन अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो फ्रंट पे ये मार्किंग खत्म होती नजर आएगी और हल्का सा यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा पैच होगा ब्लैक उसके बाद नीचे मार्किंग्स होंगी हर एक पंजे पर इसके तो ये एक और पहचान है आपको जो मैं बता दूँ इसे गले पर आप देखिए गर्दन गर्दन पर मैं आपको दिखा दूँ गर्दन पर ये बिल्कुल पैच यहाँ के ख़त्म हो जाता है जो टैन वाला है इस टाइप से बता दो इसके नीचे जो है कोई और एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं होती गाइजर बैंक के ये देखिए आप इसकी बॉडी पे आप देखें ना पूरा ब्लैक है एकदम ये नीचे से पूरा पूरा ब्लैक है कोई एक्स्ट्रा मार्किंग्स नहीं है खाली इसके पैरों पे यहाँ पे ये यह टेन मार्किंग स्टार्ट हो रही है बाकी पूरा ये ब्लैक है तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे से कोई पैचेज और कोई ऐसी मार्किंग एक्स्ट्रा नहीं है जिससे कि उसकी प्योरिटी पर कोई आपको लगेगी कुछ डिफेक्ट है तो ये सब पॉइंट्स है गाइज़ इस मार्क्स हैं उसके बाद अगर हम पंचों पर आते हैं तो पंजों पे मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक वाले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ये ब्लैक लाइन इसके पंजे पे होती है इसके जो पैर है बिल्कुल जूते की तरह होता है बॉक्स की तरह जस्ट लाइक अ बॉक्स आप भी देख रहे हैं बॉक्स की तरह इसका पैर होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है जैसे जूते पहन रखे और डॉग को सेम पीछे भी आप देख सकते हैं पीछे के पंजों में भी ब्लैक लाइन्स हैं ये इसका जो पॉस्चर है आप पॉस्चर देखिए कॉस्मो का बिल्कुल टर्न शेप में ऊपर से स्लोप में आता हुआ बॉडी एकदम नीचे की तरफ ये जो है प्योरिटी की एक और पहचान है हैवी बोन होना चाहिए अगर आप पपी ले रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे कि हैवी बोन है Venus, फेस उसका तामें, थोड़ा सा ब्रॉड होगा आजकल जो आमतौर पे जो डोबरमैन मिल रहे हैं 95 परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट डॉबरमैन जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड हो गए हैं तो जो प्योरिटी थी यूरोपियन अमेरिकन वाली वो कहीं ना कहीं, कहीं खोती जा रही है जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि लोग डॉबरमैन समझ के लेते तो हैं आमतौर पे आपको दस हज़ार में पंद्रह हज़ार में बीस हज़ार में डॉबरमैन के नाम पे लोग दे देते हैं लेकिन उसकी औरिजिनेलिटी उसकी प्योरिटी को जांचने के लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है मुझे बीस साल की एक्सपीरियंस है इस डॉबरमैन पालने का तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ये आजकल जो है एक्सरसाइज में लगा हुआ है खूब अच्छे से कॉस्मो आप देख सकते हैं इसकी मजल्स भी निकलने लगी हैं थोड़ी बहुत ये देखिए शेप इसकी भी केस केनल क्लब ऑफ़ इंडिया से रजिस्टर डॉग को जो है प्योरिटी वाइज जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है कि वो ऑलरेडी सर्टिफाइड है लेकिन आप जानते हैं गाइज काफ़ी कुछ केसेस ऐसे भी हैं, हैं। जहाँ पे आपको कैसे सर्टिफिकेशन uh, तो मिल मिल जाता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती कई बार ऐसा भी होता है एक्सेप्शन केसेस में मैं आपको एग्जांपल दे दूँगा इस केसीआई के पीछे भी भागना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिपेंड करता है कि आप जिससे ले रहे हैं है, उसके पेरेंट कैसे हैं उस डॉग है। के जो है जेनेटिकली आप में अगर थोड़ा बहुत आइडिया है ब्रीड को बचाने का वो कैसी आप देख सकते हैं तो बिना नॉन के भी बहुत अच्छे होते हैं मैं आपको बता दूँ मैंने आज तक के रजिस्टर नहीं कराया है पर ऑल ओवर इंडिया में मेरे डॉग्स की बहुत डिमांड है गाइस डोबरमैन जो है बड़े ही फुर्तीले और आ, एक्टिव डॉग होते हैं काफी सुपीरियर एक्सट्रीम गार्ड डॉग्स कैटेगरी में आते हैं बच्चों के साथ बड़े ही फ्रेंडली होते हैं डिपेंड करता है हाउ यू हैव सोशलाइज्ड योर डॉग्स हेल्प ये अपने ओनर के लिए बड़े ही केयरिंग होते हैं बड़े अलर्ट होते हैं अगर आपके घर में डोबरमैन के अलावा कोई और ब्रीड आपने रखी हुई तो डोबरमैन हमेशा अगर दो डोबरमैन है

वर्ल्ड वॉर टू में भी आप जानते हैं किस अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं तो अब बात करते हैं डॉबरमैन किन किन कलर्स में आता है यूं तो ये बहुत सारे मल्टी शेड्स में आता है लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ब्लैक एंड रस्ट और ब्लैक एंड टैन है इसके अलावा फोन हो गया ब्राउन हो गया जिसको चॉकलेटी कलर के नाम से भी आप जानते हैं और एक वाइट जो काफ़ी रेयर है ओके गाइस तो बात करते हैं डॉबरमैन के बारे में थोड़ा और डिटेल चीज़ें तो डॉबरमैन पेचर जो है तीन टाइप का होता है एक यूरोपियन एक अमेरिकन और एक मिनिएचर छोटा जो होता है इसका ओरिजिन जो है वो जर्मनी से है 1890 में जो है आ, कार्ल लुइस डॉबरमैन एक थे टैक्स कलेक्टर उन्होंने जो है अपनी सेफ्टी के लिए इसको इन्वेंट किया था काफ़ी सारी डॉग्स को मिक्स करके काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी ब्रीड वो बनाना चाहते थे जो हाईली सुप्रीम गार्ड डॉग हो इंटेलिजेंट हो और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उनके साथ रहे तो अगर हम इसकी हाइट एंड वेट की बात करें तो मेल का जो वेट है वो फॉर्टी फोटी फाइव से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब आपका डॉबरमैन बहुत ज़्यादा एथलेटिक और एनर्जेटिक नहीं है आपने इसे खिला खिला के उसको फालतू में मोटा कर दिया है तो चालीस पैंतालीस इज़ अ वेरी गुड वेट ऑफ अ मेल डॉबरमैन फीमेल की अगर हम बात करें तो बत्तीस पैंतीस से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए एक फीमेल का हाइट की अगर हम बात करते हैं गाइस तो मेल की जो हाइट है सेवन ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट सत्ताईस अट्ठाइस इंचेज़ होनी चाहिए अच्छा डॉबरमैन की हाइट और उसी के साथ साथ फ़ीमेल की जो है ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी सेवन पच्चीस से सत्ताईस इंचेस वो होना चाहिए कोट आपको मैंने पहले बताया था भी शॉर्ट होना चाहिए और इसका जो है आप डेली जो है इसका हफ्ते में एक दो बार ब्रशिंग करते रहें कंघी करते रहेंगे तो उससे अच्छा ग्रूम रहेगा कलर मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में ये जो है बड़ी एक्सीलेंट गार्ड डॉग्स होते हैं आपकी फैमिली के लिए जो है काफ़ी अच्छे हैं आप घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको उनके हवाले छोड़ के जा सकते हैं बच्चों को इनके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं पर कोशिश करें बहुत ज़्यादा देर उसको अकेला ना छोड़ें क्योंकि इसको जो है घर में आपकी ज़रूरत है जो इसको हमेशा प्यार करे इसकी केयर करे ये जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते डॉग्स फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज पर द स्टडीज़ एंड रिसर्च डन बाय द सेंटर्स ऑफ द डिजीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रवेंशन एक इंटरनेशनल संस्था है ये इन्होंने 1979 से लेकर 1998 के बीच डॉगोमैन के ऊपर एक बहुत लंबा रिसर्च किया एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि ये जो डॉग है बाकी डॉग्स के तरह जो है बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है कि इंसान को या बच्चों को जान से मार दे या इस टाइप से कर दे हाँ इसके कुछ ऐसे केसेस आए हैं किसी ने डॉग्स को बुरी तरीके से बाइट कर लिया है फाइटिंग के दौरान लेकिन जान से मारने की फिर भी इसने कभी कोशिश नहीं की है और ऐसे भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि जो है इकलौती ऐसी बीड है जो किसी भी व्यक्ति को देख के उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिता के उसकी हरकतें देख के उसको साइकोलॉजिकली वो जज कर लेता है पहचान जाता है कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है और ये बंदा किस टाइप का है तो ये बहुत बड़ी बात है डॉवरमैन के अंदर जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है गाइस मैं समझ सकता हूँ इतना लंबा वीडियो आपको देखने को मिला लेकिन आप जानते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आज ही कॉस्मो को देखिए काफ़ी बोल मिल गए यहाँ पे पर यह हटानी खड़ा रहा कि बेटा आ जाओ तुम्हारा रास्ता मैं रोक लेता हूँ तुम कहाँ जाओगे तो आप जानते हैं डबरमैन ऐसा ही होता है तो गाइज़ अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियोज़ काफ़ी लंबे होते हैं लेकिन मैं जल्दबाजी में या फिर किसी पर्पज़ से या प्योरली अर्निंग पर्पज़ से वीडियोज़ नहीं अपलोड करता मेरे वीडियोज़ खाली डॉग लवर्स एनिमल लवर्स के लिए होते हैं जो एनिमल से प्यार करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो गाइज़ ब्रीड मैटर नहीं करती आप कोई भी डॉग पालें प्लीज़ केयर करें उसको प्यार करें क्योंकि आपका दोस्त आपका कोई क्लोज़ रिलेटिव आपको धोखा दे सकता है पर ये इनोसेंट कभी धोखा नहीं देंगे मैं आपको कॉस्मो की एक बात बात बता दूँ यार अभी एक दो दिन पहले जो है इसका एक स्नैक से इनकाउंटर हो गया जंगल में इसको उसने जैसी डंक मारने की कोशिश करी कॉस्मो फुर्ती के साथ उछल के पीछे भाग गया मैं डर गया मुझे लगा आज तो गया भाई कॉस्मो लेकिन ये ये यतान एक नंबर का आप जानते हैं ये पीछे पड़ गया उसके उसको भगाड़ दिया उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको मैं बांध के साथ लाया अपने गाइज आई हो आपको प्रीवियस वीडियोज़ भी पसंद आए होंगे और फ्यूचर में मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर वॉचिंग दिस फर्स्ट टाइम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट दी रॉयल सोल्जर तो बात करते हैं कि डोबरमैन की टेल क्यों कटी होती है और उसके कान क्यों खड़े होते हैं गाइज मैं बता दूं जैसा आपको मैंने अभी बताया कि इसके कान नेचुरली खड़े नहीं होते इनको क्रॉप करके ड्रेसिंग करके खड़ा किया जाता है ताकि इसका लुक जो है ज़्यादा डेंजरस लगे और ज़्यादा अलर्ट ये दिखें इसके अलावा पूँछ जो है सिर्फ इसलिए काटी जाती है एक तो उससे थोड़ा एनर्जेटिकल रहता है जंप्स करने में लंबी दीवारें फानने में कूदने में जैसे कि आर्मी और पुलिस डॉग है तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है और साथ ही साथ ताकि जब ये चोर को इसको पकड़ ना सके कानों से या पूँछ से इसलिए भी इसकी पूछो काटा जाता है हे गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू जय हिंद